अमृतसर हल्का पश्चिम के अधीन आते गुरु नानकपुरा में डॉक्टर अनूप कुमार काउंसलर मिसेस भावना और गुलशन शर्मा की अध्यक्षता में डॉक्टर राजकुमार वेरका की एक विशाल मीटिंग का आयोजन किया गया। इस दौरान हल्का पश्चिम के उम्मीदवार के विधायक डॉक्टर राजकुमार वेरका तथा मुंबई से आए फिल्मी स्टार पुनीत गुरप्रीत कौर चड्डा ने मुख्य मेहमान के रूप में हाजिरी भरी तथा कहा कि पंजाब में अकाली भाजपा ने नशों के कारोबार को बढ़ावा देते हुए सूबे की आर्थिकता को तबाह कर दिया है। हर नौजवान को नशों में लगाकर उनकी जवानी बर्बाद करती है। इस दौरान सभी कांग्रेसी वर्कर्स उपस्थित हुए। पूरे पंजाब कांग्रेस पार्टी की लहर है और कांग्रेस पार्टी की लोग सरकार चाहते हैं। लोग इन्ने उतावले है, मैं बहुत दफा देखिया कि लोगों का कई बार सरकार के प्रति गुस्सा आता है, लेकिन ड्रग के मामले के अंदर और जड़ी गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी लैके लोगों का यह सरकार के प्रति गुस्सा नहीं बल्कि नफरत है। और ये लोग अज नफरत दे नाल सरकार नूं देख रहे हैं और ले लोग चार तरीक की उड़ीक कर रहे हैं कि किस वक्त चार तरीक आवे और कांग्रेस पार्टी की सरकार आवे। लोग महसूस करते हैं कि साढ़े हकों की राखी कांग्रेस कर सकती है, तुहाडे हितों की राखी कांग्रेस कर सकती है। कांग्रेस ही एक ऐसा विकल्प है जिहड़ी लोगों की चुनी हुई ठीक सरकार हो सकती है। मई तो कांग्रेस पार्टी की सपोर्ट के अंदर बहुत सारे कलाकार आ रहे हैं और डोली मंदरा जी भी पहले हो कल आए, अज पुनीत जी महाभारत के दुर्योधन आए हैं और बड़ी जल्दी संजय दत्त अमृतसर की धरती से उतरने वाले हैं। मैनू पंजाब की चिंता है, मैनू पंजाब की आवाम की चिंता है, क्योंकि जरा यूथ है वह गर्द के नशे च डुबया हुआ है। यह साढ़े पंजाब नू खोखला कर रहा है। इस करके मैं इतने आया, मैं चाहना यह कांग्रेस पार्टी जिते, मैं चाहना कि डॉक्टर साहब जितन ताकि चंगा काम कर रहे हैं इतने, पूरे पंजाब कांग्रेस जिते ताकि साड़ी जिहड़ी आवाम है वह फिर तो मजबूत बने, ताकतवर बने ते साढ़े पंजाब का नाम फिर तो रोशन करे। जी पूरे अंबर सिंह पूरे पंजाब नूं मैं यही कहना चाहूँगा कि कांग्रेस नूं जिताण, साढ़े कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं जिताण, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पंजाब। पंजाब इज फिल्ड विथ ड्रग्स एंड वी मस्ट से स्ट्रिक्टली नो टू ड्रग्स। वी सानू पंजाब नूं ड्रग फ्री करना पएगा ता ही सारा पंजाब जिहड़ा वधेगा। साड़ी 10 साल तुसीं जीडीपी वेखो की हो गई है, 17 नंबर पर आ चुकी है। पंजाब की सी, मैं समझदा पूरे हिंदुस्तान का जिहड़ा ताज है पंजाब हिंदुस्तान का ताज है। तो अज का जिहड़ा आवाम है, अज की जिहड़ी जनता हैगी, अज के जिहड़े यूथ हैगा वह बस गर्द नशे च डुबे हुए हैं। एज सारे तो इट्स अ वरीसम थिंग एंड इसलिए मैं बॉम्बे तो इतने आया। मैं गुरप्रीत कौर चड्डा मुंबई तो इतने अपने ब्रदर डॉक्टर राजकुमार वेरका के इलेक्शन कैंपेन लिए आई हाँ। तो मैं पंजाब की जनता को हाथ जोड़ के इो बेनती करना चाहगी कि पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की सरकार लैके आओ। 10 साल पहले जिमें पंजाब हरियाली हरियाली गूंजता सी, चारों तरफ पंजाब का नाम सी। अज जिन्ना भी लोग उड़ता पंजाब कर रहे हैं वो उड़ते पंजाब वापस बचा लो, उन्हों वापस लेके आओ, क्योंकि बाहर बैठे असी सारे पंजाबी बहुत ज़्यादा चिंतित रहने हैं पंजाब लई। आप चाहते हैं कि पंजाब दी यूथ वापस एक नाम रोशन करन, गेंद जान सारे काम अपने उच्चे करन। तो इसलिए मैं सबनों रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस बारी ताड़े कोल मौका आया, 10 साल बाद तुहानू एक बारी फिर मौका मिले कि कांग्रेस की सरकार नू लेके आओ, देश नू खुशहाल बनाओ और पंजाब नू खुशहाल बनाओ। रैली जड़ी सी डॉक्टर राजकुमार जी वेरका और सरदार गुरजीत सिंह जी ओजला उन्होंने लिए असी रैली की सी। पूरे पंजाब च ही माहौल इस टाइम तो बदलिया होया और जिहड़ी हनेरी इस टाइम तो आई हुई है, सारे दुनिया का इस टाइम तो सरकार चेंज करन दा मन बना लिता लोगों ने। और गुरजीत सिंह जी ओजला जिहड़े ने वो डेफिनेटली जितते पे ने और सिर्फ लीड का उन्हों का इंतजार है कि जिहड़ी जेतली नूं असी लीड दित्ती सी 1,18,000 दी कैप्टन जी ने, यह हुण जाएगी 2,18,000 ते। और साडे राजकुमार जी वेरका जिहड़े ने यह भी पक्का वैसट चो जिहड़े ने डॉक्टर राजकुमार जी वेरका जिहड़े उह जित्तणगे। और लोगों ने सारिया ने ही अज तुसीं इत्थे जिहड़ी रैली साडी होई है इस गल का पक्का प्रमाण है कि जिहड़ी दुनिया है वह इस टाइम तो बादल सरकार तो दुखी है और सरकार जिहड़ी उह चेंज करना चाहते हैं।